गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि बेटा हम लोगों ने अभी तक SN1 रिएक्शन पढ़ लिया है, उसमें से जो जो डिटेलिंग थी वो सब चीज़ें मैंने सीख ली थी, तुम लोगों को सिखा दिया था बेटा। इसमें जो है अब हम पढ़ने जा रहे हैं SN2 रिएक्शन, ठीक है। SN2 रिएक्शन क्या होती है, जैसा कि SN1 में मैंने तुमको बताया था बेटा कि जो SN मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन, N मतलब क्या बेटा, न्यूक्लियोफिलिक, और 1 मतलब ऑर्डर फर्स्ट, ठीक है। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हुआ था, 4-5 दिन डिस्कशन हुआ, ठीक है बेटा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं SN2 रिएक्शन। जैसे कि बेटा मैंने बताया था कि जो मेथड्स होते हैं वे, ठीक है, रिएक्शन के, वो अगर कंडीशन चेंज कर दी जाए तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा जो है रिएक्शन का मेथड भी चेंज हो जाते हैं। जैसे कि मैंने तुमको बताया था बेटा कि अगर सब्सट्रेट चेंज कर दो, रीजन चेंज कर दो, सॉल्वेंट मीडियम चेंज कर दो, तो मेथड भी रिएक्शन के चेंज हो जाते हैं, ठीक है बेटा। तो समझ जाओ कि यहाँ पे अब हमने क्या कर दिया बेटा, मेथड चेंज कर दिया मैंने। हो सकता है कि सब्सट्रेट चेंज कर दिया हो सकता है कि सॉल्वेंट चेंज कर दिया हो सकता है मीडियम मतलब रिजेंट चेंज कर दिया हो, ठीक है ना। ये सब चेंज करने की वजह से रिएक्शन का जो मेथड होता है, वे होता है, वो चेंज हो जाता है। बस ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है बेटा। तो जैसा कि मैंने तुमसे बोला था कि SN1 रिएक्शन में अगर हम PP सॉल्वेंट लेते हैं और टर्सरी कार्बो मतलब सब्सट्रेट लेते हैं और न्यूक्लियोफाइल वीक लेते हैं, तो उस कंडीशन में SN1 रिएक्शन होती है। और अब हम इस मतलब सिचुएशन को क्या कर रहे हैं बेटा, हम चेंज कर रहे हैं। हम हो सकता है कि मैं टर्सरी ना लेने के बजाय मैंने प्राइमरी एल्काइल ले लिया, हमने वीक जो है न्यूक्लियोफाइल ना लेके मैंने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया, सब जो सॉल्वेंट है बेटा वो हमने पोलर प्रोटिक ना लेके मैंने पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया, तो रास्ता भी चेंज हो जाएगा ना। बात समझ रहे हो बेटा, मैंने क्या बताया कि जो रिएक्शन के मेथड्स होते हैं वो कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। अगर आपने कंडीशन चेंज कर दी तो रिएक्शन का पूरा मेथड क्या हो जाएगा बेटा, वो चेंज होता है, ठीक है। यहाँ पे हम आज समझने जा रहे हैं बेटा SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में एक चीज याद रखना बेटा, कंडीशन हम चेंज कर रहे हैं तो कंडीशन के अकॉर्डिंग पहले तो कंडीशन देखनी पड़ेगी, कंडीशन क्या क्या है इस SN2 रिएक्शन की। यहाँ पे 2 मतलब समझ रहे हो बेटा, जैसे 1 था वहां पे ऑर्डर फर्स्ट था, यहाँ पे ऑर्डर कितना होगा 2, यानी कि जो रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे हम बेटा, उसमें जो स्लो स्टेप होगा उसमें कितना पार्टिसिपेट कर रहे होंगे मॉलिक्यूल बेटा, 2 मॉलिक्यूल सेपरेट कर रहे होंगे ना। अब तो समझ में आ रहा होगा केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा एग्जांपल के थ्रू स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे हमने एल्काइल हैलाइड लिया, ठीक है बेटा, Cl, और यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लिया, ये हाइड्रोजन लिया और ये हाइड्रोजन लिया, ठीक है, बात समझ रहे हो। यहाँ पे हमने जो है हाइड्रोजन प्राइमरी ना लेके मैंने जो है मिथाइल का लिया है, ठीक है बेटा, क्योंकि अभी बताऊंगा रीजन ऐसा क्यों लिया है बेटा मैंने, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया, कैसा लिया बेटा, स्ट्रॉन्ग ना लो, यहाँ पे लिख दो मीडियम सॉल्वेंट, लिखो सॉल्वेंट कैसा लिया है बेटा, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लिया, ठीक है, बात समझ लो। अब इसमें क्या होता है, देखो बेटा इसमें क्या होता है, इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होता है बेटा वो बैक अटैक करता है। अभी सारी चीजें मैं बताऊंगा तुमसे ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों बैक अटैक किया, ठीक है। क्या होता है कि बेटा देखो कि जैसे आपने वीक लिया, वीक अगर आपने न्यूक्लियोफाइल लिया है तो वो कार्बोकैटायन का इंतजार करता है, मतलब समझ रहे हो कि जब कार्बोकैटायन बनेगा तब क्या होगा बेटा, तब वो अटैक करेगा कार्बोकैटायन पे और प्रोडक्ट को फॉर्म करेगा। जबकि अगर स्ट्रॉन्ग आपने लिया तो ये बॉन्ड टूटने का इंतजार नहीं करता कि ये बॉन्ड टूटे फिर अटैकिंग हो न्यूक्लियोफाइल की। स्ट्रॉन्ग मतलब समझ रहे हो कि ये तुरंत भाई इस तरफ से तो आ नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है बेटा क्लोरीन के पास लोन पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, लोन पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये देखो ठीक है ना, ये लोन पे इलेक्ट्रॉन होते हैं।
अब तुमको पता है न्यूक्लियोफाइल के पास भी निगेटिव चार्ज, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निगेटिव निगेटिव आ गया, तो यानी कि यहाँ पे फ्रंट अटैकिंग तो हो नहीं सकती। ऐसा क्यों? क्योंकि तुमको पता है यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो पहले से है और न्यूक्लियोफाइल के पास भी पहले से है, तो सामने से अटैक तो कर नहीं सकता। अब जैसे जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होता जाएगा वैसे वैसे ये पीछे से अटैकिंग करके अपना बॉन्ड क्या करता रहेगा बताओ बेटा, क्या करता रहेगा, स्ट्रॉन्ग करता रहेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इसमें मतलब समझ रहे हो कि जैसे जैसे ये सीएल बॉन्ड कार्बन से, जैसे सीएल बॉन्ड कार्बन से क्या करता रहेगा बेटा बताओ, ये तोड़ता रहेगा, यानी कि ये क्या हो रही है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड हो रही है, ब्रेकिंग हो रही है बॉन्ड की। और यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ये न्यूक्लियोफाइल इससे क्या कर रहा है बोलो, न्यूक्लियोफाइल इससे फॉर्मेशन कर रहा है, यहाँ पे फॉर्मेशन कर सकते हो, फॉर्मिंग कर रहा है, ठीक है ना। अब बचे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कहाँ पे आएंगे, इस तरीके से, बात समझ रहे हो, ये हाइड्रोजन, ये। अब एक बहुत ही अच्छी एक चीज मैं बताने जा रहा हूँ बेटा, उसको बहुत तरीके से आपको देखना है क्या है मैं बताने जा रहा हूँ। देखो बेटा कि आपको पता है कि यहाँ पे लोन पेयर है, अब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर केमिकल बॉन्डिंग में बताया था बेटा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर रिपल्सन बहुत अधिक होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे लोन पेयर की वजह से ये बेंट हो जाते हैं, ये जो हाइड्रोजन है सीएल रिपल कर देता है इनको, तो उस तरफ हो जाते हैं सारे के सारे, मतलब बात समझ रहे हो कैसे हो जाएंगे बेटा। देखो मतलब अगर सीएल ये यहाँ पे है, यहाँ पे सीएल होगा बेटा, सेप तो टेट्राहेड्रल ही रहेगा बेटा, यहाँ पे ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो ये सारे इन्वर्ट हो जाएंगे, थोड़ा बेंट हो जाएंगे, बात समझ रहे हो, एंगल थोड़ा कम हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे देखो ये चीज क्या मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे रिपल्सन होगा इनके बीच, ये रिपल्सन होगा, ये 3D है तो ये भी है, इस पे भी फोर्स लगेगा बेटा, समझ रहे हो ना। तो ये क्या करेंगे बोलो, ये रिपल करेगा तो ये बेंट उस तरफ झुक जाएंगे। अब क्या होगा कि जैसे जैसे ये बॉन्ड अब अटैकिंग हो गई, तो ये अटैकिंग क्यों हुई, ऐसा क्यों हुआ, अटैकिंग हुई क्यों और कार्बन पे ही क्यों हुई, बात समझ रहे हो बेटा, कार्बन पे ही क्यों हुई, वो भी बैक अटैकिंग क्यों हो रही, बैक अटैकिंग इसलिए हो रही क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसा कर रहा है बेटा, स्ट्रांग है, बात समझ रहे हो, क्योंकि स्ट्रांग इसलिए क्योंकि ये जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे ये आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे इसलिए बैक अटैकिंग हो रही क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कार्बन से खींचेगा तो क्लोरीन पे चार्ज कैसा बता, निगेटिव, एंड कार्बन पे चार्ज कैसा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे इसलिए अटैक करेगा क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया बेटा बोलो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी हो गई और न्यूक्लियोफाइल के पास अधिकता है, और तुमको ये चीज मैंने बता ही चुका हूँ कि हमेशा इलेक्ट्रॉन हायर टू लोअर फ्लो करता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है न्यूक्लियोफाइल के पास, अब यहाँ पे कम है तो बॉन्डिंग तो फॉर्म होगा, बात समझ लो कि बॉन्डिंग इसीलिए बैक अटैकिंग हो रही, बैक अटैकिंग क्यों हो रही, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग है, कैसा है बेटा, स्ट्रांग है। तो देखो स्ट्रांग होने के कारण ये क्या कर रहा, बैक अटैकिंग कर रहा, और यहाँ पे आपने पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लिया है, मैंने जैसे बताया ना बेटा, जैसे आप कंडीशन चेंज करोगे तो तरीके भी चेंज हो जाते हैं सब रिएक्शन के, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ, यहाँ पे आपने पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया, ठीक है ना, और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट जो क्या करता है बोलो, नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर होता है ना बेटा पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो नॉन पोलर की वजह से, नॉन पोलर मतलब पोलर तो होता है आपको मतलब फर्निश नहीं करता है, नॉन पोलर नहीं कह सकते, पोलर सॉल्वेंट ही कह सकते हैं, क्योंकि उसमें जो है फर्निश नहीं होता है हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे पोलरिटी नहीं आएगी, पोलरिटी की वजह नहीं आने की वजह से ये इसको डिजोल्व नहीं कर पाएगा, मतलब ये ब्रेक नहीं कर पाएगा इसको, जब ब्रेक नहीं कर पाएगा तो अटैकिंग इसके लिए सुटेबल हो गई, अटैकिंग हो गई। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन लगातार हो रही हैं, कौन कौन सी, एक तो बॉन्ड ब्रेकिंग मतलब सीएल जा रहा है यहाँ से और न्यूक्लियोफाइल इस पर क्या कर रहा है, अटैक कर रहा। तो इस सिचुएशन में यहाँ भी इसके पास, यहाँ भी क्या बेटा, अब तुम सोचो यहाँ पे अगर ये अटैक करके बॉन्ड फॉर्म करेगा तो ये भी तो इस पर रिपल करेगा ना बेटा, इन हाइड्रोजनों को क्या करेगा, रिपल करेगा, जब इन हाइड्रोजन को रिपल करेगा इधर से भी धक्का आ रहा है उधर से भी धक्का आ रहा, तो ये सिचुएशन कैसी है कि बेटा बोलो, ये प्लेनर हो गया, मतलब समझ रहे हो, ये कैसा हो गया बेटा, प्लेनर, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, तो ये क्या हो जाएगा बेटा बताओ, ये हो जाएगा ट्राइगोनल, ट्राइगोनल है ना,
बाईपिरामिडल शेप हो जाएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है ना, बाई पिरामिडल, ठीक है ना। देखो किस तरीके से मैंने तो बताया था ना, जैसे तुमको मैं सिखा चुका हूँ केमिकल बॉन्डिंग में कि ऐसे बॉन्डिंग ये फिर ये वही तो लिखा है बेटा, बोलो ये ऐसे बता बनाता था ना, तो ये मैंने ऐसे कर दिया, घुमा दिया ऐसे। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे क्या बेटा, यहाँ सीएल है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, तो बस मैंने घुमा दिया, ठीक है, बात समझ रहे हो ना। ये है, ये ऐसी स्टेट है, इस स्टेट को बोलते हैं इमेजिनरी स्टेट, मतलब ये काल्पनिक स्टेट है, इमेजिनरी स्टेट, इसी इमेजिनरी स्टेट को बोलते हैं बेटा ट्रांजिशन स्टेट, लिख लो ट्रांजिशन, ट्रांजिशन स्टेट। ये सारी चीजें, ये सारी काल्पनिक स्टेट है, मतलब जैसा कि मैंने फर्स्ट ऑर्डर में बताया था कि कार्बोकैटायन बनता है, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा, इसमें ये काल्पनिक स्टेट दिखाई गई है। और देखो बेटा न्यूक्लियोफाइल जब बन जाएगा, तब न्यूक्लियोफाइल में जैसे कार्बन इधर बन गया तो हाइड्रोजन इधर आ जाएंगे, इधर ये इन्वर्ट स्ट्रक्चर बन जाता है न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे, मतलब देखो क्लोरीन यहाँ पे था बेटा और इसका उल्टा बना ना, यहाँ ये इन्वर्ट, इसका उल्टा मतलब समझ रहे हो, ये उल्टा बन गया, और केमिस्ट्री में उल्टा को क्या बोलते हैं, इन्वर्ट, इन्वर्ट प्रोडक्ट, मतलब समझ रहे हो बेटा। यानी कि अगर तुमने यहाँ पे क्या कर लिया है बेटा, अगर यहाँ पे आपने एग्जाम्पल के थ्रू जैसे आपने यहाँ ले लिया है CH3Cl ले लिया है बेटा, और यहाँ पे क्या कर लिया है आपने, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लिया है, जैसे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या ले सकते हो, जैसे आपने क्या लिया, एसीटोन ले लिया, ठीक है बेटा, एसीटोन और NaOH ले लिया, ठीक है ना। एसीटोन का काम क्या बेटा बताओ, एसीटोन का काम क्या है, इसको डिजॉल्व करना, और OH का काम क्या है, इस पर अटैक करके क्या बना लेना, CH3OH, बात समझ आ गई, ये मेथाइल अल्कोहल बन गया, बोलो। लेकिन अब ये देखो, ये मान लो कि अगर ये एल्काइल हैलाइड डी था तो ये एल होगा अल्कोहल, तो इसको कहते हैं 100% इन्वर्जन, इन्वर्जन मतलब इन्वर्जन, ठीक है, इन्वर्जन मतलब उल्टा प्रोडक्ट बनना, उल्टा प्रोडक्ट का मतलब रिएक्टेंट का कैसा, मतलब रिएजेंट का, सब्सट्रेट का उल्टा प्रोडक्ट, इन्वर्जन मतलब उसका विपरीत बनेगा। जैसे तुम्हें देख रहे हो बेटा, यहाँ पे सीएल इधर था, मतलब ये सीएल इधर था और ये इधर आ गया, ठीक है, बात समझ आ गई अच्छे से, कोई डाउट तो लिखो। ये हाँ, अब देखो जैसे मैंने बता दिया बेटा, अब देखो तो आपने क्या देखा बेटा, इसमें बैक अटैकिंग होती है, बैक अटैकिंग क्या होती है, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो क्या होता है बेटा, बोलो, वो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा, बॉन्ड फॉर्म भी हो रहा और बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा, तो ये स्टेप कैसा होगा, स्लो स्टेप होगा। और तुमको पता है बेटा, स्लो स्टेप इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS है, यानी कि अगर हम इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखे बेटा, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा रेट लॉ एक्सप्रेशन बताओ, R is equal to R directly proportion किसके हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और ये न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए, बात समझ रहे हो, यानी R हटाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा, R एल्काइल हैलाइड और ये, ठीक है, यानी ए वन इस पे वन इस पे, तो ऑर्डर कितने होंगे बेटा, ऑर्डर दो हो गई, मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई बेटा, वो भी दो हो गई, ठीक है, बात समझ रहे हो कि नहीं हो रहे। तो आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन समझ में आ गया कि रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है, R इज इक्वल टू ये, ऐसा क्यों हो रहा, क्योंकि आपको पता है अगर ये वीक होगा तो ये इंतजार करेगा इसको टूटने का, तब कार्बोकैटायन पे बनेगा, लेकिन अगर ये स्ट्रांग हो तो ये स्ट्रांग इंतजार नहीं करता है, ये बैक सेटिंग कर देता है, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो आपको ये देखना है बेटा, स्ट्रांग की वीक है, और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आपने यूज कर लिया बेटा, तो इस एल्काइल हैलाइड को ये आयनाइज कर देगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट,
आयनाइज होने की वजह से रिएक्शन कैसी हो जाएगी, SN1 रिएक्शन हो जाएगी। बात समझ रहे? तो SN2 के लिए कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए बेटा बताओ, SN2 के लिए कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए बोलो। अब तुम सोचो बेटा, कंडीशन के टर्म में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतना अच्छा ये अटैक करेगा। दूसरी बात, पहली बात तो ये, दूसरी बात ये है कि जितना ज्यादा चार्ज इस पे क्रिएट होगा, जितना ज्यादा चार्ज इस पे क्रिएट होगा उतना न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। तीसरी बात, जितना क्राउडिंग मतलब भीड़ भाग, क्योंकि पीछे से अटैकिंग हो रही ना बेटा, पीछे से अटैकिंग मतलब जितना भीड़ भाग कम होगी उतना न्यूक्लियोफाइल अच्छा अटैक करेगा। यानी फैक्टर अफेक्टिंग अगर बात करें तो फैक्टर क्या क्या होना चाहिए कि गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। दूसरी बात कि यहाँ पे जो स्टेरिक फैक्टर है वो कम होना चाहिए। और तीसरी बात, यहाँ पे जो प्लस आई इफेक्ट वाले चार्जेस मतलब जो ग्रुप है वो कम लगने चाहिए। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, ये मिटा दें, लिखो की पॉइंट्स ऑफ SN1 रिएक्शन, ठीक है ना, की पॉइंट्स ऑफ SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन के की पॉइंट क्या है बेटा बेटा बोलो। पहला, इसमें क्या होगा, ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, क्योंकि एक ही स्टेप में हो जा रही। दिस रिएक्शन इज एलिमेंट्री या वन स्टेप रिएक्शन बोल सकते हो। ट्रांजिशन स्टेट बेटा देखो काल्पनिक होती है, उसको स्टेप में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है ना। दूसरी, दिस रिएक्शन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट इज यूज्ड या मस्ट भी यूज कर सकते हो बैक अटैकिंग विल हैपन। बैक अटैकिंग हो क्यों रही बेटा बोलो, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल कैसा है, स्ट्रॉन्ग। तो क्या लिखोगे, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग, न्यूक्लियोफाइल इज यूज्ड, ठीक है बोलो बेटा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इज यूज्ड। एंड फिफ्थ पॉइंट बताओ, ट्रांजिशन स्टेट विल फॉर्म, इसमें कोई इंटरमीडिएट स्टेट नहीं होती है, ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म, ठीक है। एंड सिक्स्थ बताओ, ट्रांजिशन स्टेट हो गई, सिक्स्थ वाला कौन सा हो जाएगा बेटा, this reaction is also known as bimolecular reaction, ठीक है ना, बात समझ रहे हो। अब लिखोगे factor affecting of न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2 रिएक्शन, ये तो लिख लिया होगा बट मिटा दे रहे हैं। फैक्टर अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिक SN2 रिएक्शन, जैसा कि पहला पॉइंट है बेटा लेस क्राउडिंग मतलब और लेस स्टेरिक
मतलब भीड़ भाड़ कम हो, मतलब जैसे क्या है बेटा देखो, जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, ये लिया एक लिया, ठीक है बेटा, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लिया बेटा सब कहीं, यहाँ पे लिया मैंने CH3 C2S5 H, ठीक है ना, बोलो बताओ। तो यहाँ पे देखो क्राउडिंग मोड है कि लेस है, इसके रिस्पेक्ट में क्या है क्राउडिंग इंटरेस्ट कैसा है, लेस है ना, इसमें इसमें क्या है मोर है। तो तुम सोचो बेटा कहीं पे अगर, अब तुम सोचो अगर क्राउडिंग कैसी है, ज्यादा है तो वहां पे बैक कटिंग क्या है बेटा, बैक कटिंग न्यूक्लियोफाइल की क्या है उतना जो है लेस होगी, उतना अधिक नहीं होगी, जबकि यहाँ पे क्राउडिंग क्या है बोलो कम है, तो न्यूक्लियोफाइल इजीली क्या कर पाएगा मोर हो जाएगा, मोर अटैकिंग हो जाएगी ना। और दूसरी बात ये भी देखो यहाँ पे सीएल की वजह से पॉजिटिव चार्ज आएगा नेगेटिव, हाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज आएगा, बोलो। लेकिन यहाँ पे कम आई प्लस आई वाला इफेक्ट लगेगा, जबकि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट वाला ज्यादा लगा हुआ, तो यहाँ पे चार्ज ये कम हो जाएगा, जब चार्ज कम होगा तो ये भी अटैकिंग जो होगी वो भी लेस होगी ना बेटा, बात समझो। तो इसीलिए स्ट्रिक हिंड्रेंस क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। दूसरी बात कि डिग्री क्या होना चाहिए, अब यहाँ पे देखो बेटा यहाँ पे कितने डिग्री का, सेकेंड डिग्री का एल्कलाइड है तो यहाँ पे कम हो रहा, और यहाँ पे क्या है ये मिथाइल है तो क्या है बेटा बोलो बोलो अधिक हो रही है, यानी कि CH3 और X ग्रेटर देन फर्स्ट डिग्री एल्काइल हैलाइड और सेकंड डिग्री एल्काइल हैलाइड और थर्ड डिग्री, ये किसके लिए फॉलो होगा बेटा SN2, जबकि SN1 में ऐसा नहीं होता, SN1 में क्या होता है थर्ड डिग्री होता, यानी कि 1 2 3 SN2 एंड 3 2 1 SN1, ठीक है। और अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए कि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, इसमें क्या होना चाहिए बेटा पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट शुड बी यूज्ड, बात समझ रहे हो बेटा, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। देखो बेटा अनस्टेबल मतलब क्या समझ रहे हो, कार्बोकटायन जो होता है बेटा, कार्बोकटायन की अनस्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए तभी SN2 क्या होगा बेटा ज्यादा होगा, मतलब एग्जांपल समझ रहे हो, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया एग्जांपल, ये कौन सा पॉइंट चल रहा है लिख लेना ठीक है, जैसा भी पॉइंट हो, जैसे यहाँ पे बेटा मैंने क्या किया ये देखो, यहाँ पे NO2 है, नाइट्रो ग्रुप लगा है बेटा, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा है और जबकि सेम है, और यहाँ पे मैंने OH ले रखा है बेटा, यहाँ पे R1 है R2 है, बताओ न्यूक्लियोफाइल अटैक किस में अच्छा होगा। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कार्बन है बेटा, ये भी कार्बन है, यहाँ प्लस आएगा, लेकिन ज़्यादा प्लस किस में रहेगा बोलो बेटा, ये क्या है बेटा, ये माइनस आई इफेक्ट है, माइनस एम इफेक्ट भी, ये दोनों है ना, ये कहाँ खींचेंगे, इस तरफ खींचेंगे बेटा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा बट ज़्यादा इसमें तो वो भी नहीं रहेगा ना बेटा, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या यहाँ धक्का दे रहा है इसको, जब धक्का देगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा ना बेटा, जब कम हो जाएगा तो उतना आसानी से OH इस पर अटैक नहीं करेगा, जबकि यहाँ पे क्या कर देगा अटैक कर लेगा, तो क्या होगा R1 ग्रेटर देन R2 इन SN1 SN2 रिएक्शन, ठीक है बेटा, ये आंसर है तुम्हारा। ओके डिग्री भी हो गई, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, क्राउडिंग लेस होनी चाहिए, समझ में आ गया SN2 रिएक्शन क्या होती है बेटा अच्छे से, बोलो। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा, थैंक यू।